आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं और बड़ी खबर का। पंचकुला यमुनानगर हाईवे को बंद कर दिया गया, पुलिस ने दो जगहों से हाईवे बंद कर दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया है ये कदम। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे बढ़े किसान, सेक्टर 28 और माणिक्य गांव के पास हाईवे बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। जहां पर आपको जानकारी दे कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे जब किसान बढ़ रहे थे तो उस हाईवे को ही बंद कर दिया गया। सेक्टर 28 और माणिक्य गांव के पास हाईवे को बंद कर दिया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह बड़ा फैसला लिया गया और फिलहाल खबर यह सामने आ रही है कि हाईवे को बंद कर दिया गया है, यानी कि आवाजाही जो है वो खास तौर पर बंद कर दी गई है, क्योंकि तमाम जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया और हाईवे को बंद कर दिया। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित शर्मा जुड़े हुए। अमित, क्या कुछ अपडेट है और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पंचकुला हरियाणा की घोषित राजधानी है। इस तरह से कैसे किसान आगे बढ़ रहे हैं और बैरिकेडिंग को अभी पंचकुला शिमला हाईवे की तरफ से तोड़ा गया है। चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। वहीं दूसरी ओर पंचकुला यमुनानगर जो हाईवे है उसके पास, रामगढ़ के पास हो या फिर माणिक्य गांव के पास हो या पंचकुला सेक्टर 28 के पास हो, तीन जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, पुलिस बल को लगाया था, बल्कि अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी आज पंचकुला में मंगवाई हुई थी ताकि किसान शहर के अंदर ना बढ़ सके। पंचकुला की जो परिभाषा है इस तरीके से है कि एक तरफ से हिमाचल से जुड़ता है, दूसरी तरफ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से जुड़ता है, वहीं तीसरी तरफ पंजाब से जुड़ता है। ऐसे में अगर पंचकुला के अंदर जाम लगता है या जाम लगने की स्थिति बनती है तो तीनों स्टेट की जो तीनों शहर से जुड़े हुए हैं इनको असर पड़ेगा। ऐसे में पुलिस इनको शहर से बाहर ही रोकना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद किसान शहर के करीब पहुंच चुके हैं। घग्गर नदी के किनारे किसानों ने डेरा लगा लिया है, पुलिस ने यहाँ पर बड़े बड़े डंपरों को सड़क के बीच के अंदर खड़ा किया है। अभी कुछ समय पहले ही चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास किसानों को पुलिस के साथ झड़प भी हुई, उन्होंने ट्रैक्टर अपने बैरिकेडिंग के ऊपर से निकाल दिया और उसके बाद वो पंचकुला की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसे में वो अभी ओल्ड पंचकुला लाइट पॉइंट के पास पहुंचे। कहीं ना कहीं इस तरीके से शहर के अंदर जो कानून व्यवस्था है हिलने की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अमित, तो सुना आपने किस तरीके से हमारे सहयोगी अमित ने तमाम जानकारी दी कि आखिर वहां पर क्या कार्रवाई की गई है और किस तरीके से तमाम पुलिसकर्मियों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं हो और कोई भी हिंसक तस्वीरें न सामने आएं।